Hi friends, welcome to the Educator's Point. So in this class, we'll discuss the vocabulary based on the Hindu editorials. I request all of you, please read the Hindu editorials on a daily basis, and that will be helpful for your banking and SSC exam. And today we'll discuss the 8 vocabulary words and these are of the most important words, and this will be very useful for your banking and SSC exam. And by the help of a story, we should remember these 8 vocabulary words and also the memorize it. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमारा पहला वर्ड इज स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट और सीवियर. जो अंदर से स्ट्रिक्ट होता है, बहुत सीवियर होता है, उसको स्ट्रिंजेंट बोलते हैं. बस आपको याद रखना चाहिए. देन हमारा वर्ड है ओब्लिगेशन. ओब्लिगेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स द समथिंग दैट यू मस्ट डू बिकॉज द लॉ, रूल और प्रमिज. किसी लॉ के वजह से, किसी रूल के वजह से और किस प्रमिज के वजह से हमको कुछ करना चाहिए, उसको हम ओब्लिगेशन बोलते हैं. और ओब्लिगेशन एक नाउन होता है. अब नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें? नाउन को जिस वर्ड के लास्ट में आईओएन होता है, वो नाउन होता है. बस सबको याद रखना चाहिए. हमारा नेक्स्ट वर्ड होता है नेगोशिएशन. नेगोशिएशन इज ए नाउन विच मीन्स ए फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन पीपल हु आर ट्राइंग टू रीच एन एग्रीमेंट. किस समझौते की वजह से लोगों के बीच एक जो डिस्कशन होता है, उसको हम नेगोशिएशन बोलते हैं. एंड इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द इन केस ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी एडिटोरियल में नेगोशिएशन वर्ड बहुत होता है. नेगोशिएशन वर्ड बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, नेगोशिएशन. देन हमारा वर्ड है बोनोमी. बोनोमी का मतलब क्या होता है? बोनोमी इज ए नाउन विच मीन्स ए फीलिंग ऑफ फ्रेंडलीनेस अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल. ग्रुप ऑफ लोगों, जो लोगों होते हैं, लोगों के बीच में जो दोस्ती होता है, उसको हम बोनोमी बोलते हैं. लोगों के बीच का जो दोस्ती होता है, जो मित्रता होता है, उसको हम बोनोमी बोलते हैं. देन हमारा वर्ड है रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट इज ए नाउन व्हिच मीन्स रिडक्शन और कर्टेलमेंट. जो किसी चीज़ का रिडक्शन होना, कर्टेलमेंट होना, लेशन होना, डिक्रीज होना, उसको हम रिट्रेंचमेंट बोलते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द इकोनॉमी. देन इंट्रांसजियंस. इंट्रांसजियंस इज ए नाउन व्हिच मीन्स ए क्वालिटी या स्टेट ऑफ बींग. किसी चीज़ का वो क्वालिटी को डिफाइन करना, उसका जो स्टेट ऑफ बींग है, उसका जो क्वालिटी है, उसको डिफाइन करना, उसको हम इंट्रांसजियंस बोलते हैं. इंट्रांसजियंस आपको याद रखना है, इंट्रांसजियंस. देन हमारा वर्ड है इनवोक. इनवोक इज अ वर्ड, इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड व्हिच मीन्स टू रिफर टू सपोर्ट समवनस आइडिया. किसी वर्ड किसी का आइडिया को हम सपोर्ट करना, किसी को रेफर करना, उसको हम इनवोक बोलते हैं, इनवोक. एंड द लास्ट वर्ड इज अबंडन. इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन वर्ड व्हिच इज अ वर्ब ऑल्सो व्हिच मीन्स टू लीव एंड नेवर रिटर्न. किसी चीज़ का परित्याग कर देना और किस जगह से पूरी तरह छोड़ देना और उस जगह से वापस कभी मत आना, उसको हम अबंडन बोलते हैं. तो हमारे ये 8 वर्ड्स है. एक स्टोरी के मदद से हम इस 8 वर्ड्स को याद रखेंगे. तो कैसे याद रखेंगे, चलो देखते हैं. सो लेट्स समराइज दिस स्टोरी. ड्यू टू स्ट्रिंजेंट रूल्स इन ए प्लेस, देर इज अ सर्टन ओब्लिगेशन इन द पीपल. दे अबंडन देयर इंडिविजुअल प्लेजर्स एंड इनवोक द रूल्स ऑफ द रीजन. Despite retrenchment in their economy, there is unique bonhomie among the people, and it should be the proper intransigence of a healthy society. So I will write a story by this help of these 8 words. So let's summarize it. So इस story में बोलता है कि किसी भी place का जो rules होता है, stringent rules होता है, उस rules को होने के जो strict rules होता है, उस rules को लोग पूरी तरह से मानते हैं. किसी भी strict rules होने के, किसी भी तरह के strict rules हो, वो स्ट्रीट रूल्स को पूरी तरह से मानते हैं. उसके बाद दे अबंडन देयर इंडिविजुअल प्लेजर, जो अपना खुशी है, उसको खुशी को वो परित्याग करते हैं. एंड इनवोक द रूल्स ऑफ देयर रीजन, उस रूल्स को वो सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं. इस उस प्लेस का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी डाउनफॉल होने का बाद भी लोगों के बीच एक दोस्ती रहता है, वो दोस्ती को वो पूरी तरह से मेंटेन करते हैं. और किसी भी हेल्दी सोसाइटी होने के लिए इस टाइप के लोगों के बीच जो दोस्ती, वो दोस्ती ज़रूर होना चाहिए. और उसको हेल्दी सोसाइटी का वो प्रॉपर क्वालिटीज होता है. सो आई होप दिस इज वन टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरी. आई जस्ट हैव टू राइट इट. एंड बाय दिस ऑफ 8 वर्ड्स यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ स्टोरी एंड ऑल्सो मैंसन इट माई कमेंट सेक्शन. इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस इफ यू फील एंड दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर योर एनी टाइप ऑफ एग्जाम, जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स मोर एंड मोर, सब्सक्राइब माई चैनल. सो दैट्स फॉर इट. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.